गुज़श्ता रोज़ जावेद चौहान साहब के प्रोग्राम में WWE का मुकाबला हो गया, वहाँ पर बातें करते हुए हुआ क्या सर? काश ये इंटरव्यू आप कल ले लेते तो मैं तो फिर गदारियों की तफसीलात बताता, लेकिन आज खान साहब ने मुझे मना किया है। किस सेल में रखा है खान साहब को? किसी ने ये खबर चलाई थी राणा सनाउल्ला और मरियम नवाज गए थे अटक जेल और खान साहब का उन्होंने कोई कमेंट्स पास किए, उन्होंने कहा ये गलत बात है, कभी कोई नहीं आया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के वकील हैं जो फौजदारी केसेस को देखते हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं, शेर अफजल मरवत साहब, इनका ट्वीट गर्दिश कर रहा है और गुज़श्ता रोज़ इनकी लड़ाई भी हुई है, दोनों मामलों पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैंने आपसे बारहा पूछा कि कौन है PTI में गद्दार, लेकिन आपने कहा कि पार्टी पॉलिसी नहीं है। रात को आपने नाम लिया साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनका मुझे बताइएगा क्या गद्दारी की सर उन्होंने? जी काश ये इंटरव्यू आप कल ले लेते तो मैं तो फिर गद्दारियों की तफसीलात बताता, लेकिन आज खान साहब ने मुझे मना किया है क्योंकि ये मामला उन्होंने अब उमर अयूब साहब के हवाले किए हैं और उमर अयूब साहब ने भी मुझे ये हिदायत की है कि मैं अब इस मामले को वो प्राप्त करेंगे, देखेंगे और जो पार्टी का फैसला होगा वो अनकरीब आ जाएगा। सर आपका जो ट्वीट था वो रात गए हुआ, उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया, फिर आज रब्ता हुआ, पटियाला चले गए थे तो खान साहब से मुलाकात के बाद जरा थोड़े से हालात बदल गए हैं। यू टर्न ले लिया आपने? क्या यू टर्न लिया है? मतलब है कि उनकी बात को, खान साहब की बात को आपने माना है? माना है, मेरे लीडर हैं। मैंने यू टर्न क्या लिया है, मैं बदस्तूर अपने अल्फाज पे कायम हूँ, अपना ट्वीट मेरा अपनी जगह पे मौजूद है। आपने जो बातें की हैं, आई स्टैंड बाय ईच वर्ड। खान साहब ने क्या कहा इस हवाले से? खान साहब ने ये फरमाया है कि ये चीज़ें देखी जानी चाहिए और सरसरी तौर पे इस पे कोई राय नहीं दी जा सकती है, लेकिन खान साहब ने मेरे खिलाफ जो PTI ऑफिशियल से जो ट्वीट हुआ था उस पर तासुफ का इजहार किया। सर आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, आप कह रहे हैं के जो शोएब शाहीन साहब हैं वो उन्होंने इमरान खान साहब का एक केस नहीं लड़ा, वो मीडिया पर कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक केस नहीं लड़ा, क्या है? हमने तो आपको देखे आर्गो करते हुए। सर आप इस पे मुंसिफ हो जाए। PTI का कोई ऐसा केस नहीं है जो मेरे बगैर लड़ा गया हो, आप सब गवाह हैं इसके। तमाम केसेस, बहुत सारे केसेस मैंने फाइल किए खान साहब के, तमाम क्यादत के, इस्लामाबाद में कोई दूसरा वकील नहीं है जितनी मैंने PTI की लीडरशिप के। और फ्री बिल्कुल। और ये तो वैसे मजाक होगा ना, अगर मैं कुआट में होता कोई वहाँ पे बयान देता, ये तो सब आपके सामने 5 महीनों की कार्रवाई है, रोज हर एक प्रोसीडिंग आप देखते रहे हैं। कभी आपने मेरे अलावा किसी दूसरे वकील को देखा है इन केसेस में लीडरशिप के लिए खान के अलावा, खान के केसेस में? अलबत्ता जो चंद एक केसेस हैं जिसमें लाहौर के वकला या कोसा साहब तशरीफ लाते हैं या सलमान सफदर साहब आते हैं, वो इंटरेस्टेड केसेस हैं जो उन केसेस में पेश होते हैं। आज अब खान साहब से मुलाकात करने अडियाला गए, खान साहब को गुज़श्ता रोज़ वहाँ शिफ्ट किया गया, बताइएगा खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आए हैं अडियाला और किस क्लास में रखा गया है, अडियाला बेहतर था या अटक बेहतर है? खान साहब से क्या बातचीत हुई आपकी? खान साहब से 2-3 चीज़ें मैंने पूछी। एक तो कि किसी मीडिया पे किसी ने यह खबर चलाई थी कि राणा सनाउल्ला और मरियम नवाज गए थे अटक जेल और खान साहब का उन्होंने कोई कमेंट्स पास किए, उन्होंने कहा ये गलत बात है, कभी कोई नहीं आया है और ये झूठ है। दूसरी वो रिजिग्नेशन के हवाले से, सॉरी ये जो माफीनामा था उस पर उसने तासुफ का इजहार किया कि जी किस तरह ये, उन्होंने कहा कि लोग हर अतकंडा इस्तेमाल करेंगे हमारे कास को डिफीट करने में, हमें कमज़ोर करने में। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी न किसी डील की बात किसी ने मेरे साथ की है, न कोई मेरे पास आया है, न किसी ने इनिशिएट की है। अगर किसी की तवक्को रही हो कि मैं किसी हवाले से टूट जाऊंगा, वो सारी तवक्कोआत उनकी मर्जी में। किस सेल में रखा है खान साहब को? सी क्लास दी है, बी क्लास या ए? सी क्लास है। और मेरा ख्याल साबिक वज़ीर आज़म सर, वो सी क्लास के काबिल तो नहीं है वो? मेरे वो अटक में भी सी क्लास में रखा गया, यहाँ पे भी सी क्लास में रखा गया। लेकिन अब एक और जो चीज़ आई है ना, देखिए पहले हम चाहते थे कि खान साहब को रूल 243 और 248 हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल के, कि ये सुपीरियर क्लास का इंटाइटल हैं और इसीलिए मैं रिट में गया और इस पे फैसला भी आया।
लेकिन अब खान साहब नहीं चाहते हैं कि उनके हवाले से कोई भी ऐसी कोशिश की जाए कि वो अपने लिए वर्कर से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ चाहते हैं। उन्होंने कहा जो ख़वातीन हमारे हैं वो अगर मुझसे बदतर सेल में हैं या वर्कर्स हैं, मुझे ये सूट नहीं करेगा कि मैं कहूँ कि जी मुझे वो प्रिविलेज दिया जाए जो नवाज़ शरीफ को दिया गया था, जो आसिफ अली जरदारी को दिया गया था, जो खाकान अब्बासी को दिया गया था या किसी साबिका वज़ीर आज़म को दिया गया था। उसने कहा मैं इनकार करता हूँ। ये चीज़ के तनाजुर में मैं ये कह सकता हूँ कि ये वॉलंटरी सरेंडर हैं। मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट की डील के बगैर या तो लीडर जलावतन होते हैं या वो जेलों से बाहर आते हैं। खान साहब कोई बैकडोर कोई रबता कर रहा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही तो इसमें सुपीरियर है। जुडिशरी को तो सर पसे पर्दा फेंक रहे हैं, देख रहे हैं परवेज इलाही साहब एक दर्जन से ज़्यादा दफ़ा जमानत हुई गिरफ्तार हुए, आपके दर्जनों क्लाइंट्स हैं जिनकी दर्जनों दफ़ा जमानते हुई फिर गिरफ्तार हुए। जी मैं देखें कौम ये देख लें, ये जो हालात हैं ना ये बड़े डिसाइसिव मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए। जितने आला अदलिया के जज साहिबान हैं, जितने इदारों में बैठे आला अफसरान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मनासब पे बैठे हुए लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट ताजिर कंपनीज, इस मुल्क के बासी ये सुन लें कि हमारा मुल्क जो है अपनी तख्लीक के बाद आज एक ऐसे सूरतयाल से गुजर रहा है, और ये अल्फाज याद रखें और ये आज खान साहब की ये अल्फाज है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। उनका कहना था कि ये जो आज हम जिस रुख पे जा रहे हैं और जिस तरीके से हम जा रहे हैं, अगर इनका मदावा नहीं किया गया पाकिस्तान की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए, लोगों की बेहतर तरीके ज़िंदगी को बेहतर करने में और बिलखसूस महंगाई के अफरीद को काबू करने में, उनके अल्फाज थे कि मुकम्मल तबाही जो हैं ये इस कौम का मुकद्दर बनेगी। और दलाइल से और मंतक से देखिए हमारा आजकल के हालात में क्या मुस्तकबिल किसी मईशतदान को नज़र आ रहा है कि हम कर्जे कैसे उतारेंगे, इस महंगाई को किस तरह काबू करेंगे। हमारे जो तमाम कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और जो इन्फ्लेशन का रेशो है जो आपके नेबर्स हैं उनके मुकाबले में आपकी करेंसी की जो गिरावट है, क्या कोई उम्मीद कोई बता सकता है। शरफ़ुल मरवा साहब ये बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ जावेद चौहान साहब के प्रोग्राम में कद तो आपका मेरी तरह 6 फुट से ज़्यादा है, कोई WWE का मुकाबला हो गया वहाँ पर बातें करते हुए, हुआ क्या सर? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़माने से 30 साल हो गए हैं कानून के शोबे से वाबस्ता हुए। जो दूसरे साहब थे वो भी सेनेटर थे, और जावेद चौधरी साहब जो हैं वो भी काफ़ी अरसे से साफ़त से वाबस्ता हैं, लेकिन मैं अपने उस फेल पे कोई नदामत फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हज़रत ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जब वो मेरे साइड पे बैठ के इमरान खान साहब को बूट चाट और बूट पॉलिश दिया और यहूदी का बेटा कहेगा, तो फिर और रुकने का नाम नहीं। मैंने उसके लीडर के हवाले से सिर्फ बगोड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया, इतनी बदज़बानी मैं तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ। पहला जो अटेम्प्ट हुआ आपकी तरफ से हुआ लड़ाई का, बदज़बानी और प्रोवोकेशन उन्होंने की, और उसको रोकने के लिए या मज़ीद हरसा सराई से रोकने के लिए मैंने जो है उनकी तरफ पहले हाथ बढ़ाया। और आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो वड़ गया। इसके बाद जो है मैं हम बेसिकली वो जो स्टेज था उससे हम गिर पड़े दोनों। तो इस WWE वाला स्टेज टूट गया। मेरा ख्याल है वो कुछ पर्दा था कि कोई चीज़ थी जो हमारी नीचे आई, लेकिन इसके बाद जब स्टाफ आया और उन्होंने हमें अलहदा किया तो मैंने देखा वो बड़ी तेज़ी से भागाएं और बाहर निकलाए। वो तो नॉन लीग वाले बड़े ट्विटर पे चला रहे हैं कि हमारे बंदों ने 15 मिनट शेरफ़ुल साहब को दबा कर रखा है, ऐसी बात है ट्विटर पे सर?
नहीं नहीं बंदी तो नहीं थी, वो एक ये था और एक मैं था, और उसका कद आप देख लें, उसका जुस्सा देख लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ा पहलवान हूँ, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि पिस्ते बादाम आपके ऑफिस में रखे होते हैं, मैं देखता रहता। पिस्ते बादाम तो आप माशाल्लाह लहीम व शहीम व जसीम है आप तो काश आपका ये मतलब बदन होता। लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि एक क्या 1000 होते ना जी, और जब एक दफ़ा लड़ाई चढ़ जाए तो शेर अफजल खान के टुकड़े हो सकते हैं, वो मैदान नहीं छोड़ सकता।